Hey friends, welcome back to my channel. Today I'm going to make homemade whitening cream. जैसा कि हम सभी को पता है, rice contains antioxidant which remove dullness and wrinkles. साथ साथ हमारे स्किन के scars को भी रिमूव करेगा. Almond simple ई होता है जो स्किन को मॉइस्चराइज करता है. साथ साथ प्रीमैच्योर एजिंग प्रोसेस को भी कंट्रोल करता है और स्किन में इलास्टिसिटी इंप्रूव होती है. इसके लिए मैंने राइस और आलमंड्स को अच्छी तरह से वॉश कर लिया. इसमें आप पानी डालकर 6-7 घंटे तक इसे सोक कर, अच्छी तरह से सोक करने के बाद हम इन दोनों चीज़ों का फाइन पेस्ट रेडी करेंगे जिसका टेक्सचर स्मूथ होना चाहिए, जिससे हमें क्रीम बनाने में इजी होगा. और इसके लिए हमें एक कॉटन का कपड़ा लेंगे और इसे अच्छी तरह से छान लेंगे. वी गॉट फाइन पेस्ट. इसमें हमें बिटवीन ई की 2 कैप्सूल या आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हो. उसके साथ साथ हमें आलमंड ऑयल या ऑलिव ऑयल या जो भी ऑयल आपके पास अवेलेबल हो उसे आप 1 स्पून मिक्स करो. और साथ साथ एलोवेरा जेल 1 स्पून. आप मार्केट का ही एलोवेरा जेल यूज़ करना. इसे हमें 1 डायरेक्शन में ही मिक्स करना है. 1 डायरेक्शन में मिक्स करने के बाद अगर हमें कोई एरोमा चाहिए तो इसमें 1-2 ड्रॉप एसेंशियल ऑयल भी आप मिक्स कर सकते हो. इट्स रेडी टू अप्लाई. इसे अच्छी तरह से फेस वॉश करके रात के टाइम हल्के हाथों से स्क्रब करो. स्क्रब करने के बाद से पूरी रात छोड़ दो. पूरी रात छोड़ने के बाद पानी से धो लोगे तो आप खुद ही अपने स्किन को, अपने फेस को डिफरेंशिएट कर सकते हो. आपके स्किन में बहुत सारे चेंजेस आएंगे. स्किन क्लियर एंड ग्लोइंग दिखेगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज. प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर. बाय बाय.